हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं लिमिट से। तो पहले मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। एक मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे 10 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है ना, मैन्युअली हैंड रिटन, ठीक है। तो पहले उसमें से 2-3 बच्चों को कुछ डाउट्स थे तो वो क्लियर करता हूँ, और लास्ट लेक्चर में मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर्स मैंने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए थे। उसमें से जो मुझे क्वेश्चन अच्छा लगा तो वो एक आध डिस्कस कर लूंगा और फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला जो डाउट था उसमें, दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन है हमारा, देखो बच्चों, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड 0, ए की पावर 1/x माइनस 1 अपॉन ए की पावर 1/x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, तो देखो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, एक नोट के फॉर्म में भी लिखवाया था कि 1/x जो है उसका 0 प्लस और 0 माइनस पे एकदम ड्रास्टिक चेंज होता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, LHL और RHL अलग अलग एनालिसिस करूंगा। तो लेट से पहले मैंने LHL की बात कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है। अच्छा, अब देखो 0 माइनस पे, अब हमने ये भी देखा था कि 1/x कहां जाएगा, अगर x 0 माइनस को जाएगा, 0 माइनस को, तो 0 माइनस को ये जाएगा तो क्या, ये किधर जाएगा, 1/x माइनस इंफिनिटी को, दिस विल बी माइनस इंफिनिटी, और e की पावर फिर 1/x कहां चला जाएगा, e की पावर हम माइनस इंफिनिटी, मतलब दिस विल अप्रोच टूवर्ड्स 0। तो बेसिकली ये तो लिखा है 0 approaching minus 1 upon 0 plus 1, that is nothing but minus 1 only, indeterminate form ही नहीं है एक तरीके से। ये समझ में आया बच्चों क्या बोला मैं, this is tending towards basically 0, 1/x minus infinity पे जा रहा है, तो e की power 1/x 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं RHL पे, तो RHL के लिए limit x tends to 0 plus, देखना अब क्या होगा मेरा, 1/x कहाँ जाएगा, plus infinity को, तो ये overall e की power 1/x कहाँ जाएगा, प्लस इंफिनिटी को, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे, क्या किया इसमें, e की पावर 1/x कॉमन लिया पहले, तो ये हो जाएगा e की पावर 1/x और ये हो गया 1 माइनस 1 बाय e की पावर 1/x। अभी देखेंगे तो हम ये कौन सा फॉर्म है, एट प्रेजेंट जो ये फॉर्म है, अगर x 0 प्लस को जा रहा है तो दिस इज इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो मैं अब इंडिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर रहा हूं, देखना कैसे। फिर मैंने क्या किया, नीचे से e की पावर 1/x कॉमन ले लिया और इधर लिख दिया 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1/x, तो ये तो मेरा फैक्टर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, नहीं अब नहीं है। द रीजन इज ये इंफिनिटी, ये 0 को जा रहा है ना, 1 अपॉन e की पावर 1/x कहां जाएगा, अगर ये इंफिनिटी को जाएगा तो दिस विल टेंड टुवर्ड 0, तो 1 माइनस 0 अप्रोचिंग अपॉन 1 प्लस 0 अप्रोचिंग, तो न्यूमरेटर कहां जा रहा है, 1 की तरफ, डिनोमिनेटर कहां जा रहा है, 1 की तरफ, तो ओवरऑल आंसर क्या जाएगा, 1। अब क्या लिखेंगे, देखो LHL और RHL एग्जिस्ट तो कर रहा है बट दोनों बराबर नहीं है, hence limit does not exist, इसलिए मैंने उधर लिखा था, answer is D and E, does not exist, clear है। चलो अब हम next question पे move करते हैं। And today will be our doubt session also, ठीक है, याद रखना 2 बजे से है, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 डाउट था, तो ये भी आसान है वैसे तो, fx is equal to greatest integer of x minus 3 plus mod of x minus 4, और हमें निकालना है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो मैंने बोला 3 माइनस मतलब क्या हुआ, 2.9999 समथिंग, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी मेरी, माइनस 0.0000 एंड सो ऑन 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, दैट विल बी माइनस 1, तो ये तो हो गया मेरा माइनस 1 प्लस। अब 3 माइनस पे, 3 माइनस मतलब 2.999 पे मॉड के अंदर जो लिखा है दैट इज नेगेटिव नंबर, तो मॉड कैसे ओपन होगा, विद नेगेटिव साइन, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस लगा दो, तो अब 3 लगाओगे तो इधर क्या आएगा, 4 माइनस 3 1 और 1 माइनस 1 0, सो आंसर इज 0, क्लियर हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखो fx इज इक्वल टू x इंटू, फिर ब्रैकेट लिखा है, दिस इज नॉट फ्रैक्शन पार्ट, मैंने ऐसे बना दिया हालांकि, हाँ अब जो लिख रहा हूं दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस मॉड x, ठीक है। और हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो अगेन जो मेरा फंक्शन इन्वॉल्व है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और उसका इंटीजर्स पे क्या होता है, नेचर चेंज होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, LHL और RHL सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो याद रखना, जब मैंने लिमिट स्टार्ट किया था, जब मैंने बताया था इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स,
तो उसमें मैंने पॉइंट लिखाया था कि पहला पहला तो हम ये चेक करेंगे कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं। दूसरा स्टेप क्या बोला था मैंने, दूसरा स्टेप बोला था कि जब तक जरूरत ना पड़े तब तक हम LHL और RHL सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करेंगे, और जरूरत कब पड़ेगी जब हमारे उस एक्सप्रेशन के अंदर ऐसे फंक्शन इन्वॉल्व है जो अपना ड्रास्टिक चेंज करते हो, जिस पॉइंट पे मुझे लिमिट निकालनी है। तो इधर मुझे जीरो पे निकालना है, तो जीरो पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है वो चेंज होता है एकदम फंक्शन, हेंस वी हैव टू कैलकुलेट LHL एंड RHL सेपरेटली। क्लियर है? चलो तो पहले मैं लेट से LHL निकाल लेता हूं, LHL तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, चलो पहले RHL निकाल रहा हूं मैं, RHL तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, तो जीरो प्लस पे ये क्या होगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट जीरो, क्योंकि 0.00001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जीरो। तो ये तो एक्स लिखा है और अंदर लिखा है देखना e की पावर में, और मॉड एक्स कैसे ओपन होगा, एक्स अगर जीरो प्लस है तो मॉड डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स माइनस टू अपॉन अगेन दिस इज जीरो एंड दिस इज अगेन एक्स, तो ये एक्स है एक्स क्या, अब एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस पे क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, नहीं है इंडिटरमिनेंट फॉर्म, रखो फिर जीरो उसमें रखो तो e की पावर जीरो विच इज वन, वन माइनस टू इज माइनस वन, ठीक है तुम्हारा RHL माइनस वन आ गया। अब LHL निकालते हैं, तो LHL के लिए देखना लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, तो ये हो जाएगा x इंटू, अब देखना ध्यान से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अब क्या होगा, अब ये जीरो माइनस मतलब क्या हुआ, माइनस 0.00001 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज माइनस वन, एग्जैक्ट माइनस वन, तो e की पावर माइनस वन, और मॉड x कैसे ओपन होगा विद अ नेगेटिव साइन, बिकॉज x क्या नेगेटिव है, भले ठीक है जीरो के पास है बट है तो नेगेटिव, तो मेरा माइनस x माइनस टू अपॉन अगेन दिस विल बी माइनस वन एंड दिस विल बी माइनस एक्स। अब मैंने बोला क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है, तो पहले हम रख के देखते हैं एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो देखो एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, हाँ ठीक है, तो क्या ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है या नहीं है दैट विल वेरीफाइड, एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने सही लिखा है LHL मतलब जीरो माइनस, तो x तो ये लिखा है e की पावर में माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू अपॉन माइनस वन माइनस एक्स, परफेक्ट है। हाँ अब देखो ये मेरा ये तो देखो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है तो इसको तो मैं बाहर ले सकता हूं, तो x टेंड्स टू जीरो माइनस पे ये कितना हो गया माइनस वन माइनस जीरो विच इज माइनस वन, तो इसको मैं कैंसिल करके इधर माइनस वन लग रहा हूं। अब इसमें x इज इक्वल टू जीरो रखो इधर, तो जीरो रखोगे तो e की पावर माइनस वन माइनस टू दिस इज सम फ्रैक्शन, देखो मैंने क्या लिखा, चलो एक बार लिख लेते हैं इसको, दिस इज माइनस एक्स इंटू e की पावर x अगर जीरो लिख रहा हूं तो माइनस वन माइनस टू, तो अगेन अब x अगर जीरो को जा रहा है तो क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो एक फाइनाइट क्वांटिटी है, दिस इज सम फाइनाइट नंबर, और x अगर जीरो को जा रहा है तो जीरो इंटू सम फाइनाइट नंबर इज नॉट इंडिटरमिनेंट फॉर्म, ये तो आंसर किसकी तरफ जाएगा जीरो की तरफ, तो ये हो गया हमारा जीरो। तो LHL RHL के बराबर आया क्या, नहीं आया, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एक्जिस्ट, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब हम मूव करते हैं लास्ट इस होमवर्क क्वेश्चन पे, दैट इज टेंथ वन, ये भी एक दो लोगों का डाउट था, ठीक है थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है वो, ठीक है द क्वेश्चन इज क्या दे रखा था हमें सुनना, क्वेश्चन दे रखा था इफ px इज अ पॉलीनोमियल सच दैट, इफ px इज अ पॉलीनोमियल सच दैट p ऑफ x प्लस p ऑफ 2x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 18, और हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 3 p ऑफ x अपॉन x माइनस 3, ठीक है। चलो तो देखो अगर p ऑफ x प्लस p ऑफ 2x ये दे रखा है तो हम यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा px होगा ना दैट हैज टू बी क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, देखो उसने पॉलीनोमियल तो बोल ही दिया है बट मुझे डिग्री डिसाइड करने के लिए आई विल टेक हेल्प ऑफ दिस, अगर खुद सोचो अगर px क्यूबिक होगा तो डेफिनेटली इधर क्यूब आना चाहिए था ना, अगर 4 डिग्री होता तो इधर 4th आता, सिंस इधर हमारा क्वाड्रेटिक आ रहा है तो पक्का p ऑफ x जो पॉलीनोमियल होगा वो क्या होगा क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक है तो मैं मान लेता हूं एक जनरल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अब ये वाली px मैं उठा के इसमें रख देता हूं टू गेट द वैल्यू ऑफ abc, एक बार मेरा px आ गया उसके बाद इसमें रख के आई विल कैलकुलेट द लिमिट, ठीक है। चलो तो अब मैं इसमें रख रहा हूं p ऑफ x क्या हो गया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस पी ऑफ टू एक्स क्या हो जाएगा, इधर एक्स के आगे टू एक्स रखूंगा तो ये हो जाएगा फोर ए एक्स स्क्वायर, फोर ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की आगे टू एक्स तो ये हो जाएगा टू बी एक्स प्लस सी, दिस इज गिवन एज फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 18। अब ये तो एक आइडेंटिटी है, वो बोल रहे इन दोनों का सम हमेशा ये आना चाहिए तो वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट्स, तो पहले तो मैंने एक बार क्लब कर लिए टर्म्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए एक्स स्क्वायर फाइव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू बी एक्स
H3BX, ये हो गया मेरा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, C plus C, 2C. This is given as 5X square minus 18. Now I'll compare the coefficient. तो 5A 5 के बराबर है, मतलब A कितना हो गया 1, B बराबर B क्या हो गया 0, क्योंकि उधर X का coefficient है ही नहीं, और C मेरा हो गया minus 9. तो एक बार ABC आ गए, इधर से BB लिख लो, B is equal to 0. So now I'll club these values in a this expression, polynomial. तो P of X हमारा finally क्या आ गया, देखो इधर, X square minus 9. अब तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. लिमिट का तो इसमें बहुत कम इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है ना. लिमिट तो क्या है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, अब इतना प्रैक्टिस कर लिया है. फैक्टराइजेशन से क्या होगा, x माइनस 3 वाला फैक्टर कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचेगा, x प्लस 3. लिमिट x टेंड्स टू 3 पे क्या होगा, 6. क्या बोला मैंने, डिवाइड बाय यही लगा देता हूं मैं, x माइनस 3. तो ये हो गया x माइनस 3, ठीक है. और लिमिट x टेंड्स टू 3 पे ये इसको क्या लिखूंगा, x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3. सो दिस वेक्टर विल गेट कैंसिल, यू लेफ्ट आउट विद x प्लस 3, और लिमिट x टेंड्स टू 3 पे कहां जाएगा, ये 6 को. तो आंसर क्या हो गया हमारा, 6. क्लियर है बच्चों? चलो, तो ये हो गया हमारा उस क्वेश्चन भी. इसके अलावा कोई और डाउट्स आए नहीं थे, तो मैं बाकी डिस्कस नहीं कर रहा हूं. आई होप वैसे आसान भी थे काफी, ठीक है. चलो, तो अब हम मूव करते हैं होमवर्क क्वेश्चन में. मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है. तो वैसे तो जो बच्चे रेगुलर वर्क कर रहे हैं उन लोगों ने, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सारे आंसर निकाल लिए, फिर भी एक आध दो डाउट थे तो मैं वो डिस्कस कर लेता हूं. देखो, एक तो मैंने जो जेई मेंस का क्वेश्चन बोला था, दैट इज सेकेंड वन, इसको डिस्कस कर लेते हैं. लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब, ठीक है. चलो, तो देखो इसको हम कर तो बहुत तरीके से सकते हैं, बट जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि लिमिट का क्वेश्चन आया, तो पहला चीज क्या होगी तुम्हारी, जो हमारा वेरिएबल है, ट्राई टू मेक इट टेंडिंग टूवर्ड 0 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. क्या बोला मैंने, कि अगर जो अभी जो वेरिएबल है, दैट इज जो वो अभी कहां जा रहा है, पाई बाई 2 को जा रहा है, तो मैंने बोला उसको जीरो की तरफ भेजना है. पहले हम उतना काम कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या कन्वर्ट होता है. तो विदाउट उसके भी हो जाएगा, ठीक है ना, विदाउट उसके भी हो जाएगा. और उससे पहले एक बार चेक कर लो लिमिट कहां जा रहा है. ये कॉट पाई बाई 2 इज 0, कॉस पाई बाई 2 0, तो न्यूमरेटर 0 है, और इधर पाई बाई 2 रखूंगा तो ये भी पाई माइनस पाई 0 को जाएगा. तो है तो 0 बाय 0 का फॉर्म. मैंने कहा सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या किया मैंने, एक्स पाई बाई 2 को पहले 0 की तरफ लेके गया, ठीक है. तो मैंने लिखा एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस टी, तो मेरा टी कितना हो गया, एक्स माइनस पाई बाई 2. तो अब ये देखो लिमिट किसमें कन्वर्ट हो गया, नया वेरिएबल टी, अगर एक्स पाई बाई 2 को जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0, तो टी कहां जाएगा, 0 को जाएगा. अब कॉट ऑफ एक्स, एक्स मेरा क्या है, पाई बाई 2 प्लस टी, पाई बाई 2 प्लस टी माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस टी अपॉन. अब देखो इधर से मैं देख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, देखना ध्यान से. हाँ, अगर मैंने एलसीएम लेके लिखा टी इज इक्वल टू 2x माइनस पाई, और ये हो गया 2 इधर चला गया, तो दिस इज पाई माइनस 2x, तो 2x माइनस पाई लिखा है, तो मतलब इसको अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ये दोनों तरफ, तो ये हो गया माइनस 2t, लिखा है माइनस 2t का होल क्यूब, विच इज माइनस 8t क्यूब. क्लियर है, माइनस 8t क्यूब. चलो अब फर्दर देखते हैं, तो कॉट ऑफ पाई बाई 2 प्लस टी कितना होता है, कॉट ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, 10 थीटा होता है विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है ना, माइनस ऑफ 10t, और कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस टी कितना होता है, माइनस ऑफ साइन टी, तो जो जाएगा प्लस साइन ऑफ टी डिवाइड बाय माइनस 8t क्यूब. अब तो ये प्रीवियस की तरह कंप्लीट हो कन्वर्ट हो गया, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, जो पहला क्वेश्चन था वो मेरा था 10x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, तो वही है, x टेंड्स टू 0 था उधर, इधर t टेंड्स टू 0 हो गया. अब ये पहला क्वेश्चन जो होमवर्क क्वेश्चन था उसमें कन्वर्ट हो गया, इसके बाद मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना. इसके बाद तुम लोग कर लेना, क्या करोगे, साइन कॉमन ले लेना, और फिर उधर 1 माइनस कॉस एक्स बन जाएगा, तो एक 1 माइनस कॉस एक्स को एक टी स्क्वायर दे देना, और इधर जो साइन एक्स निकाला उसके साथ एक टी लिख देना, तो हमारा एडजस्ट हो जाएंगे टर्म्स, एक तो जाएगा साइन टी बाई टी, और एक हो जाएगा 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी स्क्वायर, तो वो वाला स्टैंडर्ड फॉर्मुले से हाफ होता है, और साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, ठीक है. आई होप कर लोगे तुम लोग. चलो, इसके बाद एक और किसी को डाउट था, दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 4, तो वो और देख लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक देखेंगे. देखो ये था लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड 0 cos ऑफ sin x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन. तो अब क्या करें,
तो देखो पहले तो देखा कहां जा रहा है, कौन सा लिमिट कौन सी है, मतलब कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो x अगर जीरो को जा रहा है तो cos ऑफ sin 0, sin 0 इज 0, तो cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 0 और अपॉन 0 स्क्वायर। तो 0 बाय 0 का हमारा ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो कैसे करें, देखो अब हमने जो स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ा था उसमें क्या लिखा था, 1 माइनस cos ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर, और जो समथिंग है दैट शुड टेंड टुवर्ड 0। तो इधर देखो cos x माइनस मतलब cos ऑफ समथिंग माइनस 1 लिखा है, तो इसको पहले मैंने ऐसे लिख लिया, 1 माइनस cos ऑफ sin x विद अ नेगेटिव साइन बाहर लेके अपॉन x स्क्वायर। अब मैंने बोला जो समथिंग लिखा है cos का आर्गुमेंट दैट इज टेंडिंग टुवर्ड 0, बिल्कुल करेक्ट है। जो डिनोमिनेटर में समथिंग का स्क्वायर लिखा है दैट इज आल्सो टेंडिंग टुवर्ड 0, बट अभी मैं एट प्रेजेंट इसको हाफ नहीं बोल सकता हूं। द रीजन इज आर्गुमेंट भी तो सेम होना चाहिए, जैसे इधर 1 माइनस cos ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर, तो इंस्टेड ऑफ x स्क्वायर इज अ sin स्क्वायर x होना चाहिए, तो नहीं है तो बना दिया, क्या किया हमने sin स्क्वायर x से मल्टीप्लाई किया, sin स्क्वायर x से डिवाइड किया, चलो ऊपर लिख लेता हूं इसको sin स्क्वायर x, क्लियर है। अब क्या किया, अब हमने ये वाला जो देखना, मैं क्या लिख रहा हूं, ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज 1 माइनस cos ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर, तो ये डायरेक्टली मेरा क्या हो गया हाफ, और साइन स्क्वायर एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर लिखा है तो वो वन हो गया, मतलब साइन एक्स बाय एक्स इंटू साइन एक्स बाय एक्स, तो वन इंटू वन और ये हाफ, और माइनस एक बाहर लिखा हुआ है, तो फाइनली मेरा क्या बना माइनस हाफ, क्लियर है। चलो तो ये हो गया हमारा डिस्कशन ऑफ होमवर्क क्वेश्चन। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। लिख लो टॉपिक एक्सपोनेंशियल, राइट डाउन एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स, ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। तो देखो इसमें क्या है, फर्स्ट अगेन दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूं, पहला है इसमें देखना ध्यान से, e की पावर x लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है, क्या लिखा है ऐसे, इसको इस फॉर्म में याद रखो, एंड पहले तो इसका आंसर इज 1, क्या लिखा मैंने e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन दिस समथिंग, एंड दिस समथिंग शुड बी सेम एंड ऑल्सो दैट समथिंग शुड टेंड टूवर्ड 0, देन आई विल से दिस इज 1, क्लियर है बच्चों। अच्छा तो जैसे मैंने लिखा ऐसे, लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, मैंने ये बोला यू हैव टू फाइंड द लिमिट। तो देखो पहले तो देखते हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म है या नहीं, x के अगेंस्ट एक मिनट, x टेंड्स टू 2 कर लो इसको, मैंने लिखा x अगर 2 को जा रहा है तो मेरा न्यूमरेटर कहां जा रहा है, देखो e की पावर 4 माइनस 4 0, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, तो 0 बाय 0 की फॉर्म है। अब हम इसके आधार पर जाते हैं, तो इसने क्या बोला था e की पावर समथिंग लिखा हो और वो समथिंग जीरो को जा रहा हो, तो e की पावर समथिंग लिखा है और ये समथिंग जीरो को जा रहा है और नीचे वाला समथिंग भी जीरो को जा रहा है, बट क्या ये दोनों समथिंग सेम है, नहीं, इधर x स्क्वायर माइनस 4 लिखा है इधर x माइनस 2 लिखा है, तो पहले ये समथिंग को सेम बनाते हैं, तो उसके लिए क्या किया x प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, सो आई विल मल्टीप्लाई विद x प्लस 2 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नाउ ये समथिंग और ये दोनों मिला के समथिंग सेम हो गया और ये समथिंग जीरो को भी जा रहा है, तो अब देखना इतना पार्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्या होगा 1, और मेरा फिर एक्सटेंड्स टू 2 पे इसकी लिमिट क्या हो गई 2 प्लस 2 विच इज 4, आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया बच्चों। चलो तो ये तो हो गया e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। अब देखो इसी का एक और जनरलाइज फॉर्म है, देखना ध्यान से क्या लिख रहा हूं मैं, लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड 0 इंस्टेड ऑफ e, अब मैं ले रहा हूं एक जनरल a, ए ले रहा हूं, सो दैट अब ए की जगह तुम ई रखोगे तो ये आ जाएगा, बेसिकली जो फर्स्ट वाला है दैट इज व्हाट स्पेशल केस ऑफ सेकंड वन, इधर मैं क्या लिख रहा हूं एक्स। अब तुम बताओ बच्चों इधर क्या लिखूं मैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा लॉग पे लॉग वाला पार्ट लगेगा, ठीक है, कैसे करेंगे देखो, इधर मेरे को बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर ए की जगह ई होता तो आंसर इज 1, बट ए की अब मुझे ए के टर्म्स में निकालना है आंसर, तो देखो क्या किया, इस a की पावर x को e की पावर में लिख सकता हूं मैं, e की टर्म्स में बताया था लॉगरिथमिक चैप्टर में, e की पावर x ln a, देखो ध्यान से करेक्ट लिखा है क्या, अभी क्या ये a की पावर x के बराबर है, हां, क्योंकि अगर x को a की पावर में लेके जाओ तो e की पावर में ln वो तो कैंसिल हो जाता है, सो दिस इज नथिंग बट a की पावर x जो अभी लिखा है प्रेजेंट, क्लियर है, फिर लिखा माइनस 1 अपॉन x, तो अभी जो ये चीज लिखी थी वही ये लिखी है, बट अब क्या हुआ ये एक ही टर्म्स में आ गया, एक ही टर्म्स में आ गया तो मैं ऊपर वाली चीज यूज कर सकता हूं, तो e की पावर समथिंग अपॉन समथिंग एंड दैट समथिंग इज स्टैंडिंग टुवर्ड 0, तो
अब लेकिन समथिंग अभी डिफरेंट है, इधर तो x ln a दिया है, ऑफ कोर्स अगर x 0 को जा रहा है तो x into ln a, a सम फाइनाइट नंबर, तो x into ln a 0 की तरफ जाएगा, बट नीचे x ln a नहीं लिखा, तो बना नहीं लिखा तो लिख देते हैं, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया किससे, ln a से, तो ऊपर भी किया ln a से, नाउ दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऊपर वाला फॉर्मूला, a की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, और वो समथिंग जो है वो 0 को जा रहा है, तो दिस इज क्या बचा 1 into ln a, तो इसका आंसर मेरा क्या होगा ln a, तो इसको भी तुम्हें एकदम टिप्स पे याद रखना है, उधर ड्राइव नहीं करना है, हमें याद रखना है, ठीक है, a की जगह e रख दोगे तो देखो क्या आ रहा है ln e which is 1, तो ऊपर वाले रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर हो बच्चों, चलो अभी मैं एक साथ इलस्ट्रेशन लूंगा, डोंट वरी, पहले मैं ये लॉगरिथमिक और बता देता हूं, ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट, अब मैं लॉगरिथमिक और बता देता हूं, उसमें भी दो ही फॉर्मूले हैं, और उसके बाद सर हम इनके बेसिस पे इलस्ट्रेशन करेंगे, तो मैं रब कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो, देखना लिखा, दिस इज अवर थर्ड फॉर्मूला, ठीक है ना, लॉगरिथमिक का हो जाएगा, ये है ln of 1 plus x upon x, limit x is tending towards 0, this is my answer is 1, ठीक है, ये मेरा आंसर होगा 1, कैसे प्रूफ करना है, प्रूफ डोंट वरी, यू डोंट रिक्वायर प्रूफ एट ऑल, बट इसको हम प्रूफ कर सकते हैं वही इसके एक्सपेंशन का यूज करके, ठीक है, क्योंकि आगे जाके हम एक्सपेंशन भी पढ़ेंगे वैसे तो, ठीक है, बट प्रूफ के लिए हम एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं इसका, ln of 1 plus x का वैसे तो मैं याद भी होगा मैंने कराया है, ये x minus x square by 2 plus x cube by 3 होता है, तो उसमें देख रहे हो कि जो पॉलीनोमियल के टर्म्स में लिखा होता है, ठीक है ना, तो उसमें हम हायर x अगर 0 को जा रहा है तो डोमिनेटिंग टर्म क्या होगी, लीस्ट वाली क्या है इसकी, x, तो x upon x क्या होगा 1, ठीक है, बट अगेन आई एम सेइंग नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, ठीक है, चलो अब आते हैं क्या करें फिर, इसके ऊपर इलस्ट्रेशन, तो एक काम करते, इलस्ट्रेशन में दो मिनट बाद लेता हूं, इसका एक और जनरल फॉर्म लिख लेता हूं, बेसिकली दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें मेरा ln जो है उसका बेस e है, अगर डिफॉल्ट नहीं दिया तो हम e मानते हैं, ठीक है ना, e या 10 मानते हैं, तो जनरली आईआईटी का एग्जाम आता है तो उसमें तो स्पेसिफाई करेगा ही कि e है या 10 है, अगर मान लो नहीं दिया है बुक में, एंड इफ यू आर सॉल्विंग कैलकुलस तो वी हैव टू बाय टेक डिफॉल्ट इट एज e, तो अब मैं देखो क्या लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब मैं लॉग का बेस बड़ा अलग कर रहा हूं, तो ln ऑफ x प्लस 1 या 1 प्लस x लिख लो इसको, 1 प्लस x टू द बेस a अपॉन x, तो वीडियो पॉज करके एक बार बताओ इधर क्या आएगा, जस्ट एक बार सोचो क्या लिखूं इधर, तो क्या करूंगा मैं इसको, पहले बेस चेंजिंग थ्योरम से बेस e बनाऊंगा, तो ln ऑफ a टू द बेस b क्या होता है, ln a अपॉन ln b, तो इसको मैं लिख सकता हूं ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन ln a, और x तो लिखा ही हुआ है, और ये चीज तो अभी हमें पता है, ये तो अभी हम पढ़ के ऊपर ही लिखी हमने, अगर x 0 को जाएगा तो ये चीज 1 को जाएगी, तो 1 अपॉन ln a, 1 अपॉन ln a, क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, इधर हमने डिनोमिनेटर में ln a लिखा है, और जो a की पावर x लिया था, a की पावर x माइनस 1 अपॉन a, सॉरी a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, उसमें ln a न्यूमरेटर में था, मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है ना, तो ओवरऑल हमने चार फॉर्मूले पढ़ चुके, चलो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो पहले वीडियो पॉज करके इतना पार्ट लिख लो, तो देखो क्वेश्चन लेना चालू करता हूं मैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, पहले बेसिक से फिर एकदम थोड़ा 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 करके लेवल बढ़ाएंगे, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स पाई ई की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन टेन एक्स, ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, तो क्या करें हम उसमें कन्वर्ट करेंगे ई की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, अच्छा तो देखो x अगर पाई को जा रहा है तो देखो साइन का आर्ग्यूमेंट पाई को जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, e का जो पूरा पावर लिखा है दैट इज वी आर सेइंग समथिंग ना, हमें साइन का आर्ग्यूमेंट क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने देखा e की पावर समथिंग होना चाहिए माइनस 1 अपॉन दैट समथिंग शुड टेंड टुवर्ड्स 0, तो अगर x पाई को जा रहा है तो e की पावर में जो लिखा है दैट इज अप्रोचिंग 0, ठीक है ना, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट साइन x अपॉन x, याद है साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स है, अगर मैं बोलू चलो एक्स माइनस पाई लिखा है एक मिनट के लिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, तो अगर एक्स टेंड्स टू पाई है सुनना ध्यान से, अभी मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा दिस इज साइन दिस इज जीरो बाय जीरो फॉर्म, जीरो बाय जीरो तो फॉर्म है लेकिन ये उसमें कन्वर्ट नहीं है साइन एक्स अपॉन एक्स, उसमें तो जो एक्स साइन का आर्ग्यूमेंट होता है वो जीरो को जाना पड़ता है, यहां ये चीज पूरी जीरो को जा रही है बट ये चीज तो जीरो को नहीं जा रही ना, फिर हम क्या करते हैं पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, वो बताया था लास्ट क्लास में, तो इधर इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन होता है बच्चों को कभी कभी
कि सर साइन का आर्ग्यूमेंट पाई को जा रहा है, जीरो तो नहीं जा रहा है, हमें साइन के आर्ग्यूमेंट से मतलब नहीं, हमें ई के, ई का बोल सकते हैं ई के पावर से मतलब है, ठीक है ना। तो ई का पावर जो है वो जीरो को जा, अगर एक्स पाई को जा रहा है तो ई की पावर में जो भी लिखा है दैट इज स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो, तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो समथिंग लेकिन डिफरेंट लिखा हुआ है, समथिंग और टेन एक्स लिखा है बट मुझे साइन एक्स चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसको साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लिया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और कॉस एक्स ऊपर चला गया। अब ये जो मेरा है दिस इज स्टैंडर्ड लिमिट वन, और अगर एक्स पाई को जा रहा है तो कॉस एक्स कहां जाएगा, माइनस वन को, तो वन इंटू माइनस वन इज नथिंग बट माइनस वन। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इस टाइप का पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा, इवन शीट्स में भी और प्रीवियस ईयर भी आए हुए हैं। तो देखो मैं लिख रहा हूं, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स थ्री ई की पावर एक्स माइनस ई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। तो पहले एक बार खुद से वीडियो पॉज करके ट्राई करो, ठीक है, और मैं इसको अब डिस्कस कर रहा हूं। अगर एक्स थ्री को जा रहा है तो न्यूमरेटर कहां जा रहा है, जीरो को, डिनोमिनेटर जीरो को, तो जीरो बाय जीरो का फॉर्म है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, देखो अभी जो हमने फॉर्म पढ़ा उसमें e की पावर समथिंग माइनस वन होता था, अब देखना लाइन ऑफ थिंकिंग, मुझे अगर माइनस, मुझे e की, e क्यूब की जगह वन होना चाहिए, मेरा मकसद ये है, तो क्या करूं, e क्यूब कॉमन ले लेता हूं। व्हाट आई विल डू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस टाइप का पैटर्न तुम्हें अभी भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज की क्लास में भी, उनमें भी आएगा और प्रीवियस ईयर जेई में भी क्वेश्चन आए, इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन आए, इसलिए दिमाग में बिठा दो। क्या करेंगे, इधर वन बनाने के लिए क्या किया, e क्यूब कॉमन लिया, तो इधर आ जाएगा e की पावर x माइनस थ्री माइनस वन, क्लियर है। और अब इसको मैंने दो दो फैक्टराइज करके लिख दिया, एक तो लिख दिया x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री। अब देखो किस में कन्वर्ट हो गया, e की पावर समथिंग माइनस वन अपॉन समथिंग, और वो समथिंग क्या है, जीरो की तरफ जा रहा है और वो सेम भी है जो समथिंग लिखा हुआ है, हैंस ये पार्ट कितना हो गया वन, और बचा हुआ, बचे हुए मैं एक्स की जगह थ्री रख दो बस, तो ये कितना हो गया एक्स की थ्री को, तो ई क्यूब, और ये हो गया सिक्स, तो आंसर इज ई क्यूब, सॉरी ई क्यूब बाय सिक्स, दिस आंसर, क्लियर हुआ बच्चों। चलो तो वीडियो पॉज करो, इन दोनों को कॉपी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक एलएन के ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, ई की पावर पे हो गए, अब एक एलएन के ऊपर ले लें, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड्स टू एलएन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। चलो तो अब तुम वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो और मैं बताता हूं। तो देखो कभी भी एक क्वेश्चन आ जाए ना, तो पहले तुम एक बार अभी के लिए, अभी तो तुम्हें टेस्ट पे याद नहीं है ना जो चार फॉर्मूला लिखा है, तो हैबिट डालो क्वेश्चन लिखने के बाद, पहले तुम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, हमें किस में कन्वर्ट करना है, किस में था वन प्लस समथिंग, और हमें से एक्स मत लिखो, समथिंग लिखो अपॉन समथिंग, इसमें मुझे कन्वर्ट करने का है। तो दिख रहा है मुझे वन चाहिए, अभी वन नहीं है तो मैंने वन एड और सबट्रैक्ट किया, तो दिस इज माई लाइन ऑफ थिंकिंग, तो वन प्लस, अब माइनस वन करना है उसको माइनस थ्री के साथ क्लब करके लिख दिया, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, अब हो गया हमारा कन्वर्ट, आंसर ही आ जाएगा एक ही झटके में, एल एन ऑफ वन प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, और वो समथिंग भी सेम है, और अगर एक्स टू को जा रहा है तो वो समथिंग जीरो को जा रहा है, हेंस दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, एल एन ऑफ वन प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, कहां जाएगा ये, आंसर इज वन, क्लियर है बच्चों। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, मैंने लिखा लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो फोर की पावर एक्स माइनस वन अपॉन थ्री की पावर एक्स माइनस वन। तो सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, इधर लिख लो पहले ई की पावर समथिंग माइनस वन अपॉन समथिंग। तो अगर मैं 4 की पावर x माइनस वन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, x चाहिए, तो x मल्टीप्लाई डिवाइड किया और x मल्टीप्लाई किया, इस x को इसके साथ क्लब किया और ये वाले x को इसके साथ, तो इधर ना लिख के हमने इसके नीचे लिख लिया, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब ये दोनों ही मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन गए, कौन सा, e की पावर नहीं लिखूंगा मैं, a की पावर लिखूंगा इधर, a की पावर समथिंग माइनस वन अपॉन समथिंग, और क्या होता था ये e होता था, तो न्यूमरेटर में ln a आता था, स्ट्रेस दिया था मैंने, क्योंकि जनरली कंफ्यूज हो जाता है आगे चल के, लॉग वाले में क्या होगा डिनोमिनेटर में ln a आएगा। तो इस ये देखो ये वाला जो फॉर्म है इसके कारण तो आया न्यूमरेटर में ln 4 और इसके कारण डिनोमिनेटर में आया ln 3, तो दिस इज बेसिकली ln 4 टू द बेस 3, चाहे ऑप्शन वो ऐसे भी दे सकता है या फिर वो ऐसे भी दे सकता है, ठीक है ना, बस बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया हमने रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। चलो और देखते हैं, मैंने लिखा लिमिट एक्स स्टैंडिंग टूवर्ड जीरो
ए की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर बी एक्स अपॉन एक्स। करो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। क्या करें अब, अगेन कैसे कर सकते हैं, देखो जैसे मैंने अभी इससे पहले वाला तुम्हें बताया था स्टैंडर्ड पैटर्न है बहुत, तो क्या करें हम इधर वन लाने की कोशिश करते हैं। चलो देखो मेथड दो मेथड से करते हैं इसको, मैंने कहा मेथड वन जो मैंने बताया था इधर वन लाना है, इधर वन कैसे आएगा जब ए की पावर बी बी एक्स कॉमन ले लू, तो मैंने ए की पावर बी एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा ए की पावर ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। अच्छा अब ई की पावर समथिंग माइनस वन अपॉन समथिंग लिखा है, ठीक है, बट समथिंग जीरो को तो जा रहा है, क्योंकि अगर एक्स जीरो को जा रहा है तो समथिंग जीरो को जा रहा है, बट वो समथिंग अभी सेम नहीं है, सेम बनाने के लिए क्या किया ऊपर नीचे ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये जो समथिंग है और ये जो समथिंग है वो सेम हो गया, तो ई की पावर समथिंग माइनस वन अपॉन समथिंग, ये पूरा किसको जाएगा वन को, और एक्स जीरो को जा रहा है तो इधर जीरो रखो तो क्या आएगा ई की पावर जीरो विच इज वन, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है इसको बाहर फेंक सकता हूं, तो वन इंटू ये ऑलरेडी वन आ गया वन, और ये कॉन्स्टेंट ए माइनस बी, तो आंसर क्या हुआ ए माइनस बी, क्लियर है। अच्छा इसको और तरीके से भी कैसे हो सकते थे, सेपरेट करके, सेपरेट करके कैसे, देखो मैंने क्या किया e की पावर ax को अकेला सोचा, तो इसमें मैं माइनस वन कर देता हूं तो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड में, और इसमें भी मैं माइनस वन कर देता हूं तो इधर एक्चुअली मैं प्लस वन करूंगा इधर माइनस वन करूंगा, सो टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या किया देखो ध्यान से, e की पावर ax माइनस वन माइनस ऑफ ये तो एक ब्रैकेट e की पावर bx माइनस वन, तो देखो अभी जो लिखा है और इससे पहले जो लिखा था न्यूमरेटर वो सेम है क्या, हाँ है, बेसिकली हमने क्या किया माइनस वन और प्लस वन लिखा है वो तो जीरो होता है, अब सेपरेट आउट कर दिया, और सेपरेट के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए दोनों में से एक फाइनाइट आना चाहिए, तो हम पहले सेपरेट करके देखते हैं, अगर आगे जाके दिक्कत हुई मान लो इंडिटर्मिनेंट आ गया या फिर इंफिनिटी कुछ आ गया तो हम फिर वहां से हटा के फिर यहां से दोबारा कुछ और सोचेंगे, मैंने कहा सेपरेट तो करेंगे हम, तो सेपरेट किया, तो देखो सेपरेट करने पे, चलो मैं इसको हटा रहा था, सेपरेट करने पे देखो क्या आएगा ए की पावर ए एक्स माइनस वन, ए की पावर ए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ए की पावर बी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है। अच्छा और लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, और इधर भी लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ए की पावर समथिंग जीरो को जा रहा है अपॉन समथिंग समथिंग, बट ये दोनों सेम नहीं है, सेम लाने के लिए क्या करो ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको ए से मल्टीप्लाई किया ए से इधर ए से इधर, सिमिलरली इधर बी एक्स है तो इधर बी एक्स लाने के लिए इधर बी और इधर बी, अब ये मेरा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, दिस इज व्हाट वन एंड सिमिलरली दिस इज व्हाट वन, तो ए इंटू वन माइनस वन इंटू बी कितना हो गया ए माइनस बी, तो वही आ गया जो हमारा उधर से आया था, ठीक है। बट ऑफकोर्स दैट इज बेटर, दैट इज बेटर, इसमें सेपरेट करके इतना टाइम उसमें नहीं लगेगा, उसमें तो डायरेक्टली हमने कॉमन ले लिया था, दैट मेथड इज बेटर, और मैं इसलिए दो इलस्ट्रेशन ले लिया क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली आएगा ये पैटर्न तुम्हारा, जब तुम क्वेश्चन शीट्स लगाओगे ना दिस ई की पावर समथिंग माइनस ई की पावर समथिंग, ठीक है, उसको हमें कैसे बनाना है उसको एक में कन्वर्ट करना है, ई की पावर समथिंग माइनस वन, दो ई की पावर दिया होगा हम उसे एक ई की पावर में लेके आएंगे सारा वेरिएबल, क्लियर है। चलो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो e की पावर ले लिया, अब एक बार फॉर्मूला याद हो जाएगा, हम a की पावर और ले लेते हैं, तो लिमिट x स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस वन, ठीक है। तो करते हैं इसको, तुम लोग ट्राई करना है तो वीडियो पॉज करो, इसको खुद से ट्राई करो, और ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई बिकॉज प्रैक्टिस होगा तुम्हारा, एंड डोंट थिंक अभी हम लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे कि सर ये तो बहुत इजी लेवल के, आएंगे धीरे धीरे, और टफ लेवल होगा तो वो मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना, बिकॉज दैट विल कंज्यूम टाइम एंड आई वॉन्ट की खुद से दिमाग लगा, अगले दिन तो मैं करूंगा डिस्कस। अब देखो ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स है, तो जैसे अभी मैंने किया था, सबसे पहले तो क्या करते हैं इसको, इसका काम खत्म करते हैं, ये बहुत बड़ा वेरिएबिलिटी है, इसको हटाने के लिए क्या किया पहले एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स से डिवाइड किया, कर सकते हैं। अब e के पावर x माइनस वन अपॉन x तो क्या हो गया वन हो गया, और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है ये पूरे एक्सप्रेशन के, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूं, तो दिस इज इक्वल टू वन, तो फाइनली यू आर लेफ्ट आउट विद a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x। अब ये प्रीवियस की तरह कन्वर्ट हो गया, प्रीवियस की तरह है, हाँ बोल सकते हैं प्रीवियस की तरह e की पावर ax माइनस e की पावर bx, तो क्या कर सकते हैं माइनस वन प्लस वन करें, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं a की पावर x माइनस वन माइनस ऑफ b की पावर x माइनस वन अपॉन x, देखो वही लिखा है क्या माइनस वन और प्लस वन किया है मैंने, एक इसको दे दिया माइनस वन प्लस वन इसको दे दिया, अब सेपरेट आउट कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस ऑफ बी की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स,
लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब ये मेरा स्टैंडर्ड हो गया दोनों, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड, क्या हो गया, दिस इज ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स एल एन ए, तो ये हो गया एल एन ए और ये हो गया माइनस एल एन बी, तो इस फॉर्म में लिख लो इसको एल एन ऑफ ए बाय बी। क्लियर है बच्चों, तो ये भी एक मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो वन माइनस ई की पावर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है ये तो, ठीक है ना। चलो इसको कर लेते हैं हम, तो क्या किया इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो इसको मैं लिख रहा हूं यही चेंज कर रहा हूं, तुम नेक्स्ट स्टेप में लिखना वन प्लस एक्स। अब सुनो एक्स अगर जीरो को जा रहा है तो मेरा टारगेट क्या होता है कि जो वेरिएबिलिटी है ना, अगर जो वेरिएबिलिटी इनडिटरमिनेंसी क्रिएट नहीं कर रही है और अगर वो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी है तो उधर उसको बाहर निकालो, उसको बाहर निकालो, सो दैट हमारा एक्सप्रेशन रिड्यूस होगा। तो फॉर दैट वन प्लस एक्स, अगर एक्स जीरो को जा रहा है तो वन प्लस एक्स कहां जाएगा, वन को, फाइनाइट है प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इसको हटा के वन लिख दिया, वन लिख दिया मतलब बाहर लेके गए और वन लिख दिया, इधर लिख दिया वन, तो कुछ कुछ हद तक तो सिंप्लीफाई हुआ। अब क्लिक कर जाएगा एक एक्स इसको दे दो, एक एक्स इसको दे दो, तो ये भी हमारा स्टैंडर्ड है, ये भी हमारा स्टैंडर्ड है, तो वन इंटू वन इंटू वन, फाइनल आंसर इज वन। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लियर। चलो अब देखो उसी पैटर्न पे, ई वाले पैटर्न पे मैंने कहा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस ई की पावर साइन एक्स अपॉन टू इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, लिखते से बहुत लोगों को क्लिक कर गया होगा, जब हम इसमें से e की पावर साइन एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस साइन एक्स बनेगा, वो ऑलरेडी दिया है, तो क्या किया हमने e की पावर साइन एक्स कॉमन लिया, तो इधर बचेगा e की पावर x माइनस साइन एक्स माइनस वन अपॉन x माइनस साइन एक्स। अगर अगर x जीरो को जा रहा है तो जो मेरा समथिंग है दिस इज समथिंग दैट इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, दिस इज ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो ओवरऑल दिस इज वन, और e की पावर साइन जीरो मतलब e की पावर जीरो विच इज नथिंग बट वन, तो इसका आंसर भी हमारा क्या आ गया वन आ गया। तुम्हें लग रहा है कि फास्ट जा रहा हूं बट आई एम नॉट गोइंग बिट फास्ट, ठीक है ना, मैं फास्ट नहीं जा रहा हूं, वो क्वेश्चन ही ऐसे हैं कि मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जो क्वेश्चन टफ होगा जो लेवल लेंथी होगा ऑफकोर्स मैं उसमें थोड़ा स्लो जाऊंगा, अभी सेम पैटर्न के आ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने लिखा लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स टू वन माइनस e की पावर 3x माइनस 6 माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ 2 माइनस एक्स, करो इसको ट्राई, ठीक है, और मैं इसको कर रहा हूं। तो अगर x देखो सबसे एक काम, वैसे तो डायरेक्टली दिख रहा है इधर, बट तुम चाहो तो थोड़ा अगर तुम्हें सिंप्लीफाई देखना स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो पहले तुम x को जीरो की तरफ लेके आओ, ठीक है, देखो विदाउट उसके भी हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें जरूरत नहीं है, बट मैं स्टिल बोल रहा हूं तुम जीरो की तरफ लेके आओ, सो दैट थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, तो लेके आओ, मैं लेके आ रहा हूं इधर, मैंने कहा x इज इक्वल टू टी प्लस टू, तो t इज इक्वल टू x माइनस टू, तो लिमिट किसमें कन्वर्ट हो गया t टाइम्स टू जीरो पे, e की पावर 3x माइनस 6, तो 3t प्लस 6 माइनस 6 माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ t, साइन ऑफ x माइनस 2 है ना, तो माइनस t हो जाएगा, तो माइनस साइन t, ये कन्वर्ट हो, ये लिख लिया, इसको उल्टा करके लिख लिया, वन माइनस ई की पावर थ्री टी अपॉन साइन टी, तो बस अब क्या किया, वन माइनस ई की पावर समथिंग अपॉन समथिंग, तो समथिंग में किसकी कमी है, थ्री टी की कमी है, ये थ्री टी और ऊपर थ्री टी, इस टी को मैं साइन टी के नीचे लेके गया, तो ये भी वन और ये भी वन और ये थ्री बचा है, तो आंसर क्या हो गया थ्री, क्लियर। तो देखो जब तुम वेरिएबल को जीरो की तरफ लेके आओगे ना, तो तुम्हें ज्यादा जल्दी चमकेगा कि हाँ भाई ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूशन पहले बता दिया था, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन से हम क्या करेंगे वेरिएबल को जीरो की तरफ लेके आएंगे, क्योंकि अभी तक देखो जितने भी फॉर्मूले हम देखते जा रहे हैं, जैसे आज जो देखे एक्सपोनेंशियल हो लॉगरिथमिक हो या फिर कल जो देखे थे साइन टेन टेन इनवर्स वाले, सभी में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है उसमें एक्स कहां जा रहा है, जो समथिंग है वो कहां जा रहा है, जीरो को जा रहा है ना, इसलिए मैंने इस पर स्ट्रेस दिया था थोड़ा, कि सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे हम वेरिएबल को जीरो की तरफ लेके आएंगे, ठीक है। चल और क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड जीरो
4 की पावर x माइनस 1 इसका होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 3x। ठीक है, एक बार ट्राई करो, अगेन है तो बहुत इजी बट फिर भी ट्राई करो। चलो अब मैं बता रहा हूं इसको, तो देखो जैसे कि मैंने बोला कि कोशिश करो कि जो वेरिएबिलिटी है ना कम से कम दिखाई दे, तो उसके लिए क्या किया, सबसे पहले ये 1 1 3 इसको डील करते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी लॉग लॉग आ रहा है, इसको हटाना है मुझे, तो लॉग ऑफ 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग की कमी है, तो मैं अगर समथिंग और मिल जाए 3x और मिल जाए इसके डिनोमिनेटर में तो उसको 1 करके मैं बाहर भेज दूंगा, मतलब हटा दूंगा, तो मैंने क्या किया डिवाइड बाय 3x किया और मल्टीप्लाई 3x किया, ये चीज मेरी क्या हो गई 1 में कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली इधर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 है तो क्या किया एक्स स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई किया और एक्स स्क्वायर बाय 4 से डिवाइड किया, फिर ये वाला साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 और ये वाला एक्स स्क्वायर बाय 4 अगेन 1 बना देगा, तो फाइनली ये लेफ्ट आउट में देखो क्या लिख रहा हूं, 4 की पावर एक्स माइनस 1 तीन बार लिखा है, चलो इसको तीन बार लिख लेते हैं, 4 की पावर एक्स माइनस 1 4 की पावर एक्स माइनस 1 और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 3 बाय 4 तो ये 3 है और ऊपर 4 है, ये 4 ऊपर चला जाएगा और एक्स क्यूब बचा, तीनों को एक एक्स एक्स दे दिया, तो ये क्या हो गया एल एन 4, ये एल एन 4, ये एल एन 4, तो आंसर क्या आ गया 4 बाय 3 एल एन 4 का होल क्यूब। क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूं, जो वेरिएबिलिटी है और जो प्रोडक्ट फॉर्म में दिया है मैं वही उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके छोटा करते जा रहा हूं एक्सप्रेशन। ठीक है चलो अब नेक्स्ट पे मूव करता हूं, नेक्स्ट इज लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स 1 लॉग ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ पाई एक्स, करो एक बार ट्राई, तो लॉग में एक्स लिखा है अकेला लेकिन मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्मूले में पता है क्या है एल एन ऑफ 1 प्लस समथिंग, तो 1 प्लस समथिंग है तो 1 बनाया पहले, तो 1 बनाने के लिए क्या करें प्लस माइनस 1 करेंगे तो लॉग ऑफ 1 प्लस और एक्स माइनस 1 ऐसे लिख सकता हूं मैं लॉग एक्स को, और नीचे लिखा है साइन पाई एक्स, अच्छा नीचे भी चलो इसी स्टेप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये वाला साइन पाई एक्स वाला पार्ट तो कल क्लास में कराया था, अभी इसमें इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो जीरो को नहीं जा रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे जीरो को नहीं जा रहा है पाई को जा रहा है, तो पाई को जा रहा है मुझे जीरो की तरफ भेजना है, तो इसमें से पाई सब्ट्रैक्ट कर देता हूं या पाई में से ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, एडजस्ट करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिकली प्लस माइनस, तो मैंने पहले तो लिख लिया साइन ऑफ पाई माइनस पाई एक्स, अब देखा करेक्ट है साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, अब ऐसा लिखने से क्या हो गया ये जो आर्ग्यूमेंट है ये कहां जा रहा है जीरो की तरफ जा रहा है अगर एक्स वन को जा रहा है तो। क्लियर है चलो अब देखो ये एक्स माइनस वन है तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था लॉग ऑफ 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग और वो समथिंग जीरो को तो जा रहा है और डिनोमिनेटर में नहीं है तो जनरेट कर लिया कैसे किया x माइनस 1 से इधर किया और इधर x माइनस 1 से किया ये वाला पार्ट क्लब होके क्या हो जाएगा 1। अब देखो साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग लिखा है और जो दोनों समथिंग है वो जीरो को जा रहा है बट अभी समथिंग जो लिखा है ना वो सेम नहीं है तो क्या किया सेम थिंग सेम बनाने के लिए पाई से मल्टीप्लाई किया। अब ये समथिंग जो लिखा है वो सेम लिखा है साइन ऑफ पाई माइनस पाई एक्स और ये लिखा है पाई एक्स माइनस पाई माइनस का अंतर है तो एक काम करते हैं माइनस से और मल्टीप्लाई कर देते हैं अब करेक्ट है अब करेक्ट है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है दिस पार्ट दिस इज अगेन 1 तो फाइनली क्या बना माइनस 1 अपॉन पाई। आई होप क्लियर हो गया होगा ठीक है ना चलो अब और क्वेश्चन लिख लेते हैं मैं इसको रब कर रहा हूं तुम लोग कॉपी कर लो इसके बाद कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी देने वाला हूं ठीक है ना एक काम करता हूं एक क्वेश्चन और करते हैं उसके बाद फिर मैं तुम लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं तो देखो क्वेश्चन है पहले तो एक क्वेश्चन लिख लो लिमिट एक्स स्टैंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 2 ए की पावर में कॉट एक्स माइनस ए की पावर में कॉस एक्स अपॉन अच्छा ये भी बहुत स्टैंडर्ड ही हो गया ये अभी जो कराया था इससे पहले e की पावर x माइनस साइन एक्स और नीचे भी x माइनस साइन एक्स दिया था ठीक है ना और वैसे भी मैंने बोला एक्सपोनेंशियल में अगर ऐसे डिफरेंस में आ रहा है तो क्या करें इधर हम 1 बनाएंगे पहले क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है e की पावर x माइनस 1 अपॉन x है ना तो इधर 1 चाहिए मुझे a के साथ ठीक है या तो क्या कर सकते हैं दो तरीके हैं बट ऑलरेडी cot x माइनस cos x दिया है इसमें तो ठीक है यही करते हैं हम ठीक है वैसे मैं सोच रहा था इसको माइनस 1 प्लस 1 के करके ट्राई करूं तुम लोग एक बार ट्राई कर लेना क्या इसको माइनस 1 देना इसको प्लस 1 देना फिर सेपरेट आउट करके जस्ट ट्राई मैं क्या कर रहा हूं अभी इस पार्ट को कॉमन ले रहा हूं तो ये हो जाएगा a की पावर x cos x कॉमन आया तो क्या आ जाएगा a की पावर cot x माइनस cos x माइनस 1 अपॉन cot x माइनस cos x अभी हमारा कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड में a की पावर समथिंग
माइनस वन अपॉन समथिंग, एक तो समथिंग सेम है, अब वो देख लेते हैं कि वो समथिंग जो है वो जीरो को जा रहा है या नहीं। तो अब अगर x को पाई बाय टू रखूंगा तो कॉट पाई बाय टू इज जीरो, कॉस पाई बाय टू जीरो, तो वो जीरो को जा रहा है। तो इतना पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड लिमिट से ln a। और अगर x पाई बाय टू को जा रहा है तो cos पाई बाय टू जीरो, a की पावर जीरो इज वन, तो फाइनली माई आंसर इज ln ऑफ a। क्लियर है? तो फिर आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं। अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, तो थोड़ा थोड़ा क्या तुम लोगों का और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है? और जरूर करना, मैं देख रहा हूं वैसे, ठीक है, कमी लोग रिप्लाई कर रहे हैं बट वो रेगुलर कर रहे हैं मुझे अपडेट, ठीक है ना? पांच छह लोग हैं जो डेली अपडेट करते हैं मुझे अबाउट होमवर्क, वेरी गुड, ठीक है ना? और जो जितना करेगा उसको उतने फिर टीचर का भी रिस्पॉन्स उतना ज्यादा मिलेगा, ऑफकोर्स, ठीक है ना? तो अब मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट टी टेंड्स टू जीरो ln of cos of sin t upon t square। इधर argument sin, cos का argument sin t है, ठीक है ना? अच्छा, second question, limit x is tending towards pi by 4 ln of tan x upon 1 minus cot x। question third is limit x is tending towards 0 ln of cos 3x upon x square into 2 sin x upon e की पावर x minus e की पावर minus x, ठीक है? उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0 ln of 1 plus x square plus x की पावर 4 upon e की पावर x minus 1 into x। and question fifth is लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर x माइनस a की पावर x अपॉन x माइनस a। और क्वेश्चन सिक्स जो है वो लिखा है लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स a a की पावर x माइनस x की पावर a अपॉन x माइनस a। ये मैं लास्ट के दो क्वेश्चन देख लेता हूँ, x की पावर x माइनस a की पावर x अपॉन x माइनस a और a की पावर x, दिस इज x, ठीक है ना? सही से लिख लेते हैं इसको, a की पावर x माइनस x की पावर a अपॉन x माइनस a। तो ये हो गया तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है? स्पेशली ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ये है, सिक्स्थ वन, एडवांस के लिए, ठीक है? इन दोनों में टाइम देना थोड़ा, बाकी तो हमने ऑलमोस्ट किए हुए हैं, दैट इज फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन एक अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है? सो बस अब एंड अप करते हैं आज का लेक्चर। कोई भी अगर डाउट आता है कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या फिर यू वॉन्ट सम अल्टरनेट अप्रोच, फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना? चलो, दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।